नमस्कार, मैं हूँ फिरोज हाशमी। महाराष्ट्र, दिल्ली समेत कर्नाटक कई राज्यों में महाराष्ट्र पंजाब कोऑपरेटिव बैंक में ग्राहकों की लंबी कतार लगी हुई है। नोटबंदी के बाद एक बार फिर खाता धारकों में अफरा तफरी मच गई है, क्योंकि बैंक के अंदर व बाहर आज सुबह से भीड़ लगी हुई है। कई लोगों ने नौकरी पे गए हुए थे, लेकिन जब उनको ये पता चला पीएमसी बैंक पे आरबीआई ने रोक लगा दी है, यही नहीं बैंक की सारी सेवाएं रोक दी है। पीएमसी बैंक के सभी ब्रांच में यही हाल है, लोगों का भीड़ जमा है और सिर्फ 1000 ही खाता धारक निकाल सकते हैं। एक तरह से ये कह सकते हैं बैंक को आरबीआई ने रोक लगा दी है, यानी पाबंदी लगा दी है। आप ये सोच रहे होंगे कि 1000 क्या हर रोज निकाले जा सकते हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं। 6 महीने में एक ही बार 1000 निकाल सकेंगे, उसके बाद आरबीआई कुछ बदलाव भी कर सकता है। अब लोगों का सवाल खड़ा हो रहा है, जिन लोगों ने अपनी पूरी जिंदगी की कमाई हुई जमा पूंजी इस पीएमसी बैंक में जमा की थी, अब उनके लिए तो अकाल बन गया है। बहरहाल ग्राहकों के सामने संकट खड़ी हो गई है, आखिर अब उनके पैसे का क्या होगा? और इसी के साथ समाज राजनीति से जुड़ी हुई खबरों को देखने के लिए देखते रहे प्रहार टाइम्स। ताज़ा तरीन खबरों के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। अगर आप फेसबुक पर देखते हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।